का प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2.90 रुपये प्रति क्विंटल और दिया जाता है, और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% रिकवरी होती है, तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275.50 रुपये प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। खुशी की बात यह है कि हमारे देश के किसानों ने अब काफ़ी रिकवरी बढ़ाने का काम देश भर में किया है, आधुनिक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करना, नए प्रैक्टिसेस को और बड़े रूप में लागू करके अब हम सभी देश भर में देख रहे हैं कि रिकवरी सुधर रही है। शुगर केन के जो रिकवरी शुगर और बाकी चीज़ों में होती है, साथ ही साथ पिछले वर्ष एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड हुआ है, लगभग 70 लाख टन का एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 55 लाख टन तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, 15 लाख टन पाइपलाइन में है। सरकार ने इसके लिए भी काफ़ी सुविधा दी थी, जो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है जिससे शुगर केन एक्सपोर्ट होने में सुविधा होती है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार ने हमारे किसानों को जल्द से जल्द उनके गन्ने का भुगतान हो जाए उसको मद्देनजर रखते हुए शुगर एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पहले 3 वर्ष में जहां कुल मिला के 22,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से एडिशनल पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला था, वहीं पिछले साल अकेले एक साल में 15,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से गन्ना किसानों के भुगतान समय पे होने के लिए इथेनॉल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसकी इस्तेमाल को लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। अभी लगभग 7.5-8% पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट होती है, ब्लेंडिंग होती है, और अगले 2.5 से 3 वर्ष में अनुमान है कि ये बढ़ के लगभग 20% पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो जाएगा इथेनॉल का। यानी आज जो 15,000 करोड़ रुपए इथेनॉल की वजह से किसानों को मिल रहा है, इस क्षेत्र में जिससे लगातार सुधार भी हो रहा है, रिकवरी अच्छी मिल रही है, वही बढ़ के 40,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इस सेक्टर को मिलेगा, और उसके कारण हमारे गन्ना किसानों को समय पे पैसा भी भुगतान हो पाएगा, और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके ऊपर भी जो बोझ है या जो शुगर की प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार से केंद्र सरकार ने दोनों हितों को संभाला है, उपभोक्ता के हित को भी संभाला है कि उनको महंगा चीनी ना खरीदना पड़े, और किसानों के हित को भी संभाला है कि उनको समय पे अपने गन्ने का भुगतान हो पाए। एक और बात इस विषय में नोट करने लायक है, देखने लायक है कि पिछले वर्ष आज से 2 साल पहले का आंकड़ा ले अगर 19-20 का, तो लगभग 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ कुल गन्ना किसानों का भुगतान करना था, पेमेंट करना था, उसमें से 75,700 करोड़ ऑलरेडी पे हो चुका है। तो यानी सिर्फ 142 करोड़, ये तो कोई टेक्निकल कैलकुलेशन वगैरह का विषय भी हो सकता है, उतना ही बाकी है भुगतान करना 19-20 वर्ष का। जो 20-21 वर्ष खत्म हुआ उसमें 91,000 करोड़ का भुगतान करना था गन्ना किसानों को, उसके सामने 86,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है, और ये दर्शाता है कि कैसे केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के कारण अब गन्ना किसानों को पहले की भांति सालों साल अपने भुगतान के लिए संघर्ष या रुकना नहीं पड़ता है। आपको याद होगा एक जमाना जब गन्ना के भुगतान के लिए
वर्षों वर्षों तक लोग रुके रहते थे, लोग फंसे रहते थे, भुगतान बहुत डिलेड होता था, कई बार साल, दो साल, तीन साल बाद भी भुगतान हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार इस विषय में चिंता रही है कि हमारे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिले और उसी के परिणाम स्वरूप इथेनॉल को प्रोत्साहन देना, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना, जब जरूरत पड़े तो बफर स्टॉक के माध्यम से अधिक पैसा शुगर इंडस्ट्री को मिले, जिससे और वो पैसा सीधा किसानों के खाते में जाए, तो अलग अलग प्रकार से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि समय पे हमारे गन्ना किसानों को भुगतान मिले। अब वर्ष 1 अक्टूबर से फिर गन्ना किसानों का अपना उत्पादन बिकना शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इन सब प्रोग्रेसिव नीतियों के कारण गन्ना किसानों को इस साल भी अच्छी अपनी कीमत मिलेगी। ये उल्लेखनीय है कि CACP जो कैलकुलेट करती है सब कॉस्ट को और उसके ऊपर क्या रिटर्न होना चाहिए, उसके अनुमान के हिसाब से जो मार्जिन मिलता है किसानों को अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, हमने एक तय किया था स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन पे कि 50% कम से कम कॉस्ट के ऊपर किसान को पे किया जाए। ये उल्लेखनीय है कि आज के इस 290 रुपए के फैसले से जो किसानों को उनके खर्चे के ऊपर पैसा मिलेगा, द अमाउंट दे विल रिसीव ऑन टॉप ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर केन, वो 87% हो जाएगा, 87% रिटर्न होगा ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अपने आप में दर्शाता है कि बाकी सब फसलों से एक प्रकार से ज्यादा FRP के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गन्ना किसानों को अच्छा दाम मिले, 87% ओवर दी A2 प्लस FL कॉस्ट, ये मार्जिन सुनिश्चित किया गया है। एक और विषय जो दर्शाता है कि कैसे हम गन्ना किसानों को लाभ दे रहे हैं, वो है जो कुल कीमत गन्ना की है चीनी की कीमत के निस्बत, व्हेन यू टेक द कंपैरिजन ऑफ द टोटल शुगर प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ शुगर केन इन दैट, तो वो भी लगातार बढ़ते जा रही है और भारत शायद एकमात्र देश होगा जहां पे लगभग लगभग 89% और अब आज के इस फैसले के बाद वो 90-91% शुगर प्राइस का गन्ना के किसानों को मिलेगा फॉर द शुगर केन प्राइस। ये विश्व के स्तर पे अगर देखें तो लगभग 70-75% शुगर प्राइस का गन्ना किसानों को मिलता है। भारत में गन्ना किसानों की को और ज्यादा प्राइस मिले उसकी चिंता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिसके कारण लगभग 90% जो शुगर की रिकवरी होती है वो दाम गन्ना किसानों को मिलेगा। और इस चीज को मेकअप करने के लिए इथेनॉल, एक्सपोर्ट, इन सब माध्यमों से हमने एक प्रकार से शुगर इंडस्ट्री को भी संभाला है, गन्ना किसानों को भी समृद्ध बनाया है और साथ ही साथ कंज्यूमर, उपभोक्ता के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने दिया। तो ये एक प्रधानमंत्री जी के काम करने की एक विशेषता जो हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखी है, द बैलेंस, द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ आवर फार्मर्स, ऑफ आवर कंज्यूमर्स एंड टू एंश्योर द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सबको सुनिश्चित करते हुए आज का निर्णय लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वी विल नाउ टेक सम क्वेश्चंस ऑन कैबिनेट डिसीजन नंबर 22। सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल यह है कि गन्ने के FRP में जो 5 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को अगले शुगर सीजन में कुल कितना अतिरिक्त FRP यानी पैसा मिल पाएगा? दूसरा सवाल, जो लगभग इस वर्ष 90-91 हज़ार करोड़ रुपए मैंने अभी बताया, अनुमान है कि अगले वर्ष वो 1 लाख करोड़ रुपए हो जाए। दूसरा सवाल यह है कि गन्ने की FRP के आधार पर आमतौर पे एथेनॉल की कीमत और चीनी की MSP तय होती है,
तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने एफआरपी बढ़ाया उसी तरीके से एथेनॉल की कीमत वो और फॉर्मूला ड्रिवन है जो पेट्रोलियम कंपनीज ने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया है इथेनॉल का, वो एक फॉर्मूला ड्रिवन है, फॉर्मूला के हिसाब से वो कीमत लगातार रिवाइज होती रहती है। 116 अगर हम बात करें कैबिनेट उसी से जुड़ा हुआ है, उसमें ज्यादातर जो है वेस्ट यूपी से गन्ना किसान है और जो आप लोगों ने एफआरपी बढ़ा दिया है 5 रुपए और लगभग 86,000 करोड़ का पेमेंट भी हो चुका है 2021 में, तब आपको क्या उनसे अपील करेंगे और आपको उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे क्योंकि गन्ने की कीमत एक बड़ा इशू था उनके लिए? आज तो कैबिनेट में ये निर्णय हुआ है, इसके ऊपर कोई सवाल हो तो हम जवाब दे सकते। 156 सर, ये आप गन्ने की कीमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं प्रियंका गांधी उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी है जबकि पंजाब सरकार ने गन्ने की कीमत बढ़ाई है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो उनकी अपनी स्टेट एडमिनिस्ट्रेट प्राइस रहती है तो वो स्टेट का विषय है, हम जो एफआरपी तय करते हैं वो एक राष्ट्रीय स्तर पे एफआरपी तय होती है, स्टेट्स जो जो इसको फॉलो करते हैं उस पर एफआरपी लागू होता है, बाकी स्टेट्स कुछ स्टेट्स अपने आप तय करती हैं। नंबर 58 सर, ये गन्ने का बकाया जो है खासतौर से चीनी मिले जो वेस्ट यूपी में है काफी बकाया है। मास्क उतार के बोले तो समझ में आएगा। सर, ये गन्ने का जो बकाया है और खासतौर से गन्ने की कीमत जो वेस्ट यूपी के किसान हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हाल के दिनों में और चीनी मिलों ने उनका दाम नहीं चुकाया है जिससे उन्हें काफी दिक्कतें आई हैं, तो ये कोई आंकड़ा है सरकार के पास कि क्या कितना चुकाया गया है गन्ना किसानों को और कितना उनका बकाया है? आप शायद वो दिन भूल रहे हैं जब एक जमाना था कि सालों साल तक यूपी की चीनी मिलें गन्ना किसानों को अपना पैसा नहीं दिया करती थी, संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों पे आना पड़ता था अपना पैसा रिकवर करने के लिए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने लगातार इस विषय को अपने पूरे कार्यकाल में बहुत संवेदना के साथ और बहुत सख्ती से इस विषय के ऊपर चिंता की और हर वर्ष उन्होंने सुनिश्चित किया कि समय पे गन्ना का भुगतान हो जाए। मेरे पास जो आंकड़ा है 24 अगस्त तक का, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगभग 120 चीनी मिलें ऑपरेट करती हैं और उन्होंने कुल पिछले वर्ष 2021 में 1,026 लाख टन अंदाजन केन क्रश किया था, उनकी रिकवरी 10.77% थी एवरेज में और शुगर प्रोडक्शन 110 लाख टन 2020-21 में किया गया है। इसमें जो केन ड्यूज देने की बात थी वो 2020-21 में टोटल जो केन ड्यूज ऑलरेडी पे हो चुके हैं वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए है और जो बैलेंस अभी बाकी है उसको भी जैसे जैसे ये एक्सपोर्ट रियलाइजेशन आएगा, जैसे जैसे गन्ना शुगर वहां से निकलेगा उसको जल्द से जल्द पे करने के लिए यूपी की सरकार प्रतिबद्ध है। 15 बकाया अभी के डेटा के हिसाब से लगभग पहले से तो काफी कम है, एक जमाना हुआ करता था जब इसी पीरियड में 12-15-20 हजार तक बकाया होता था 20,000 करोड़ तक, आज के दिन कंपेयर टू दोज ओल्ड डेज 6,399 करोड़ बकाया है, तो एक प्रकार से एक तिहाई हो गया जो पहले 2017 के पहले बकाया होता था उसके कंपैरिजन में कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में वो इतना घट गया है और ये भी जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ये अपने आप लगभग जीरो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का
आपको ध्यान होगा पहले दो दो तीन तीन साल तक पे नहीं होता था। उत्तर प्रदेश का 2017-18, 18-19 और 19-20 तीनों वर्ष का कोई बकाया नहीं है, पूरा पैसा पे हो गया। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में 19-20 तक पूरा पे हो गया है, कोई बकाया पुराना बाकी नहीं है। सर गुड आफ्टरनून, सर शिशिर हेयर। सर जस्ट ए स्मॉल क्वेरी, सिंस द एफआरपी हैज बीन रिवाइज्ड, सो विल देयर आल्सो बी रिवीजन इन मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस फॉर शुगर, बिकॉज आई बिलीव दैट both are linked, interlinked. Not necessarily, since we are giving lot of support through increased ethanol production and procurement, and we are giving support through the mechanism of supporting exports. Earlier we had also used the buffer stock mechanism. Different states also come out with some additional incentives. Considering all of these factors, we do not see any reason for at the present moment increasing the selling price. And therefore, you will find that the market has been very stable and sugar has not seen any significant increase. If at all, I think they have not seen any increase in the domestic market.